हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। अब हम जानने वाले हैं लैम्डा फंक्शन के बारे में। तो लैम्डा फंक्शन क्या है? अ लैम्डा फंक्शन इज स्मॉल एनोनिमस फंक्शन। अ लैम्डा फंक्शन कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स बट कैन ओनली हैव वन एक्सप्रेशन। लैम्डा फंक्शन क्या है? एक स्मॉल अज्ञात फंक्शन है जिसे हम क्रिएट कर सकते हैं लैम्डा कीवर्ड की मदद से। जो अभी हम किससे डेफ कीवर्ड की मदद से फंक्शन क्रिएट कर देते वो क्या कहला है क्या कहलाता था? नॉर्मल फंक्शन। और जो हम लैम्डा कीवर्ड की मदद से फंक्शन क्रिएट करेंगे तो वो कहलाएगा स्मॉल फंक्शन, या फिर एनोनिमस फंक्शन, या फिर लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन क्या होता है? इसमें आप जितने चाहे उतने आर्गुमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन क्या होगी? एक ही होगी, समीकरण एक ही बनेगा। जैसे यदि हम लैम्डा फंक्शन बनाए तो सबसे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं किस प्रकार का होगा। सिंटैक्स कुछ इस प्रकार का होगा, लैम्डा और यहाँ पर आर्गुमेंट और ये एक्सप्रेशन। सबसे पहले लिखेंगे लैम्डा कीवर्ड और यहाँ पर आर्गुमेंट। जैसे हम देना चाहते हैं आर्गुमेंट ए और यहाँ पर कॉलन एक्सप्रेशन ए मल्टीप्लाई टेन, तो क्या होगा? ए मल्टीप्लाई टेन से हो जाएगा, या फिर ए मल्टीप्लाई ए, तो हमें यह रिटर्न क्या करेगा? ए स्क्वायर। यानी कि यदि अब हम इसको कॉल करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एक्स लिख लीजिए, ए लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखिए? लैम्डा, लैम्डा के बाद यहाँ पर ए कॉलन ए मल्टीप्लाई ए। तो अब हम क्या कर देंगे? प्रिंट और यहाँ पर एक्स और यहाँ पर आर्गुमेंट देंगे। ये वाला क्या है? एक आर्गुमेंट है, तो हम यहाँ पर क्या देंगे? आर्गुमेंट। जैसे हमने दिया 5, तो हमें क्या आउटपुट देगा? यह 25, क्योंकि a मल्टीप्लाई a है, इसीलिए यह हमें रिटर्न करेगा 25। तो चलते हैं अपने VS कोड पर और इस लैम्डा फंक्शन को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम कमेंट कर देते हैं और लिखते हैं लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन सबसे पहले x इज इक्वल टू लैम्डा ए और यहाँ पर कॉलन ए मल्टीप्लाई ए, तो ये क्रिएट हो जाएगा हमारा लैम्डा फंक्शन। अब हम इसको कॉल करते हैं और डायरेक्ट प्रिंट भी कर देंगे। तो यहाँ पर अब देना है हमें आर्गुमेंट, तो हम आर्गुमेंट 5 दे देंगे। और अब हम इसको रन करेंगे तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आउटपुट यहाँ पर कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। इस लैम्डा फंक्शन में सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन होती है। यदि यही काम हम नॉर्मल फंक्शन से करते तो कुछ इस प्रकार से करते, जैसे डिफाइन स्क्वायर, यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास कर देते हैं जैसे n, और यह क्या करेगा? रिटर्न n मल्टीप्लाई n, तो यह क्या करेगा? उस नंबर का हमें स्क्वायर रिटर्न कर देगा। यहाँ पर अब यदि हम इसको प्रिंट करें तो प्रिंट प्रिंट स्क्वायर और यहाँ पर 5, तो यह काम हम इस नॉर्मल फंक्शन की मदद से भी कर सकते हैं। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं लैम्डा फंक्शन के। अब हम क्या करते हैं? लैम्डा फंक्शन की मदद से क्यूब निकालते हैं किसी भी संख्या का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लैम्डा क्यूब, यह एक वेरिएबल बना लिया, और इसके बाद हम लिखेंगे लैम्डा कीवर्ड और ये आर्गुमेंट, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे? इसी का इसी में 3 बार गुणा कर देंगे, तो ये क्या करेगा? हमें क्यूब रिटर्न करेगा। अब इसको प्रिंट करते हैं और कॉल भी कर देते हैं। यहाँ पर लैम्डा क्यू और यहाँ पर जैसे 3 का क्यू हमें चाहिए, तो हमने क्या दे दिया? 3। तो देख लीजिए ये आउटपुट आ रहा है 27, ये आउटपुट आ रहा है 27। तो इस प्रकार से हम लैम्डा फंक्शन की मदद से क्यूब भी निकाल सकते हैं। अब इसी को हम यदि नॉर्मल फंक्शन से करें तो क्या करेंगे? डेफ क्यूब और यहाँ पर एक आर्गुमेंट n या फिर x भी दे दीजिए। अब ये क्या रिटर्न करेगा? क्यूब रिटर्न कराना है, तो उसी का उसी में हम 3 बार गुणा कर देते हैं, तो ये क्या करेगा? रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर हम इसको कॉल कर लेते हैं क्यूब और यहाँ पर 4 दे दीजिए। अब की तो यहाँ पर x की जगह हमें n करना था, n मल्टीप्लाई n n, तो यह क्या करेगा? हमें क्यूब रिटर्न करेगा। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। तो ये था हमारा लैम्डा फंक्शन।